13 अगस्त 2004 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऐसी घटना हुई जो ना ही आपने कभी सोची या देखी होगी। करीब 200 औरतों ने बीच कोर्ट में एक इंसान को घसीट घसीट कर चाकू छुरों से मार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था अक्कू यादव। दरअसल 32 साल का ये शख्स एक सीरियल किलर, रेपिस्ट और लुटेरा था। अक्कू यादव का असली नाम भगत कालीचरण था, जिस पर कई औरतों के रेप करने और छेड़छाड़ के आरोप थे। ये इंडिया का ऐसा पहला केस था जिसमें करीब 200 पीड़ित महिलाओं ने किसी रेपिस्ट को कोर्ट केस के दौरान ही मार दिया। उस घटना में अक्कू यादव को करीब 70 बार चाकू से घोपा गया, उसके चेहरे पर लाल मिर्च और पत्थर फेंके गए, और तो और एक पीड़ित महिला ने उसका तक काट दिया। और ये सब नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही हुआ। दरअसल ये लोकल गुंडा यादव और उसकी गैंग कस्तूरबा नगर के करीब 300 परिवारों को 10 साल से आतंकित कर रही थी। वो वहाँ के लोगों से हफ्ता लेते, उनको मारते पीटते और तो और वहाँ की औरतों का रेप करते थे। उनके खिलाफ कई बार पुलिस में केस हुए लेकिन हर बार उनको बेल मिल जाती। उस वक्त लोग कहते थे कि यादव वहाँ की कई औरतों के साथ रेप कर चुका था, और वो भी इसलिए ताकि वो वहाँ के मर्दों को दबा सके। यहाँ तक कि 10-15 साल की छोटी बच्चियों तक को ये हैवान नहीं छोड़ता था। इंडिया जैसे देश में जहाँ रेप जैसी घटनाओं को बताना तक शर्मसार था, फिर भी वहाँ की औरतों ने यादव के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराई, लेकिन अक्कू यादव के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होती। उल्टा पुलिस पीड़ित महिलाओं के घर आकर उनको परेशान करती। अक्कू यादव कई सालों से पुलिस को रिश्वत देता था और इसीलिए पुलिस भी उसके साथ थी। अगस्त 13, 2004 की इस घटना से ठीक एक हफ्ते पहले अक्कू यादव ने 25 साल की एक महिला को बार बार छेड़कर उस पर एसिड फेंकने की धमकी दी। तब वहां की उषा नारायण ने अपने देवर की मदद से पुलिस को चकमा देते हुए सीधा डिप्यूटी कमिश्नर के पास पहुंच गई। डिप्यूटी कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस यादव को जल्द ही पकड़ लेगी। उस रात यादव के घर पर कस्बे के लोगों ने गुस्से में हमला कर दिया और उनको देख अक्कू यादव ने भी सरेंडर कर दिया। अब क्योंकि वो सालों से पुलिस को रिश्वत दे रहा था तो यादव को पुलिस हिरासत में रखना किसी काम का नहीं था। उसके अगले दिन यादव की कोर्ट में पेशी हुई। कस्बे के करीब 500 लोग कोर्ट गए इस केस के लिए, लेकिन वहाँ ये खबर आने लगी कि यादव को बेल मिल जाएगी, जिसका मतलब था वो वापस आकर पूरे कस्बे में और दहशत फैलाता। जब यादव पेशी के लिए कोर्टरूम जा रहा था तब उसने कस्बे के लोगों की भीड़ में खड़ी एक महिला को प्रोस्टिट्यूट कहा और बोला कि वो कोर्ट से बाहर आकर सबसे पहले उसका रेप करेगा। उसके इतना बोलते ही भीड़ में खड़ी करीब 200 महिलाओं को आक्रोश आ गया और वो सब कोर्ट के अंदर ही अक्कू यादव को मारने लगी। चाकू, छुरा, मिर्ची पाउडर, उन महिलाओं के हाथ जो भी आया वो उससे उसको मारने लगी। 15 मिनट के अंदर ही अक्कू यादव मर गया। इस हादसे के बाद पूरे कस्बे ने अक्कू यादव की मौत की जिम्मेदारी ली और वो बोले कि या तो इस दुनिया में ये रह सकता था या हम। तो अब आप बताइए, आपके हिसाब से इन जैसे दरिंदों, इन हैवानों के साथ और क्या करना चाहिए।